परवेज पहले ये रहा सर इधर बहुत फेस कर। हाँ भाई, केरला ट्रिपल प्रोडक्ट, केरला ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? सील वैक्टर होगा, ठीक है। ए डॉट बी क्रॉस सी को कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि जहां से जो वैल्यू आएगी वो स्केलर वैल्यू आएगी, वेक्टर नहीं आएगी। निकालते कैसे हैं देखिए, अगर ए आपका है ए वन आई बी वन जे सी वन सी, बी आपका है ए टू आई बी टू जे के, और सी आपका है, भाई बोलो ना बिल्कुल, मैं जरा से उससे भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ। सी वन ए थ्री आई ए थ्री जे बी थ्री जे और सी थ्री के, यदि तीन वेक्टर ये है हमारे, ठीक है, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा बेटा ए डॉट बी क्रॉस सी। पहली लाइन में ए के कंपोनेंट होंगे ए वन बी वन सी वन, दूसरी में बी के होंगे ए टू बी टू सी टू, तीसरी में ए थ्री के होंगे, क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं आपका ये है ए वेक्टर है टू आई माइनस जे प्लस फोर के, बी वेक्टर है थ्री आई प्लस फोर जे माइनस फाइव के, और सी वेक्टर है माइनस आई प्लस टू जे प्लस थ्री। ये एबीसी तीन वेक्टर है, ठीक है। तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? ए डॉट बी क्रॉस, पहली लाइन में ए के कंपोनेंट टू माइनस वन फोर, दूसरे में बी के कंपोनेंट थ्री फोर माइनस फाइव, सी के कंपोनेंट। वैसे भी मैथ में लोग कह रहे हैं ना 30% काट दिया, तो मैथ में कोई खास सिलेबस नहीं काट रखा है, और काटता भी है तो सारा वो टॉपिक काट रखा है जिसका आगे यूज होगा, मतलब सब इंपोर्टेंट यूज होगा। एलपीपी वगैरह हो गया, एलपीपी ना हो तो इंटीग्रेशन के बाद क्लास हो रहा था सर, वो एरिया वाला है काटने वाला था वो इंपोर्टेंट, उसके लिए इंटीग्रेशन पढ़ाई गई था। बस 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 भाई आंसर 106 थोड़ा आगे निकाल दिए, कितना प्रवेश आगे हो जाए 106 निकाल दिया, ये करके दिखाऊं, एक्सपेंड करना सबको आता है, कितना है 88 भाई। हम कर कर चलो फिर बाकी भी करके देखो, अरे ये आया कि नहीं आया? रोहित आ रहा है भी समझ में? तेरे अलावा कौन कौन है? बस एक है, तीन ही बच्चे हो? पता नहीं भाई, ने क्या सोच रखी है, पर अभी तक तुम्हारा कितना है 88, बाकी भी निकालो मेरे से सवाल कर लिया, अभी इसको एक्सपेंड करें यहाँ से। ये आउटसाइड बेटा, ये आउटसाइड, ये रो दबादी, ये कॉलम चार सी 12 माइनस ये माइनस अगला एलिमेंट ये वाला, इसकी कॉलम दबा दो और रो दबा दो, तीन तीन 9 माइनस 5 बन जाए 5 प्लस फोर
ये दबा दिया, ये दबा दिया, 6 + 4। ये एक्सपेंड करना किसको नहीं आता भाई, पूछ लेना। 88 ठीक है भाई। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है और ये पढ़ने के हमारे पास फायदे क्या है? अच्छे तक नहीं आया सर, फोटो ले रहे देखो भाई, एप्लीकेशन क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि दो सर क्रोस को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब कहने का ये है कि ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए। बस ये ध्यान रहे कि जो क्रॉस का ऑर्डर है ए बी बी सी सी ए, क्लियर है? ए बी बी सी सी ए, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर दो टर क्रॉस को चेंज करने से फर्क नहीं आएगा, आंसर सेम रहेगा। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों पढ़ते हैं? असली चीज ये है, नंबर एक, अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है, अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है, कोप्लेनर का मतलब वो एक ही प्लेन में है। आप इस बोर्ड पर तीन वेक्टर बना दो, सामने वाली दीवार पर तीन वेक्टर बना दो, कोप्लेनर का मतलब वो वेक्टर जो एक ही प्लेन में है या पैरेलल प्लेन में। समझ में आया? इस बोर्ड के पैरेलल जितने बोर्ड बनाते चले जाओगे उन सभी में जितने भी वेक्टर होंगे वो कोप्लेनर होंगे। तो कोप्लेनर वेक्टर के केस में जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो जीरो होगा। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो यूज होता है यहां पे, पहले तो सब कुछ होते क्वेश्चन इसी का आता था कि फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द वेक्टर आर कोप्लेनर। कंपटीशन एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है भाई। अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। नंबर दो बार, अगर एबीसी आर थ्री एजेस ऑफ ए पैरेललोग्राम आपका ये जो डस्टर है जैसे ये है आपका, एक लेंथ का वेक्टर हो गया, एक ब्रेथ का वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर है आपका, ठीक है भाई। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया और ये सी वेक्टर हो गया, एक लेंथ का, एक ब्रेथ का और एक हाइट का। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, वॉल्यूम ओ पैरेलल पाइप ये आ जाएगा बेटा, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये हमें वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोग्राम की देता है। टेट्राहेड्रन पढ़िए आप लोगों ने, नहीं पढ़ी? केमिस्ट्री वालों पढ़िए। तीसरा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, कार्बन का पार्ट, हाँ कार्बन में कंपाउंड, हाँ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, ठीक है। ये समझ लो कि जैसे एक ट्रायंगल बेस, ट्रायंगल बेस बेटा भाई, नीचे बेस में ट्रायंगल बना के और इन सभी को ऊपर ऐड कर दे सिंगल पॉइंट, मतलब सभी को एक सिंगल पॉइंट से मिला दे, ठीक है, ये शेप होगी। अब ये देखो तुम लोग कैसे बनाते हो, ठीक है भाई। और ये समझो कि सारा का सारा ना, सारा ये नीचे ट्रायंगल है और ट्रायंगल बेस को
सारे को ऊपर एक पॉइंट मिला दे, ये रहा सही कह रहा है, क्लियर है। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल क्या होगा बेटा, ये आ जाएगा एक जो सबसे ऊपर पॉइंट होगा ना, ये आपका ये वाला पॉइंट होगा, इसको हम ए लेंगे, ठीक है। तो उस पॉइंट से ए बी वन बाई सिक्स ए बी क्रॉस ए सी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, ठीक है भाई। वन बाई सिक्स ए कौन सा है, ए वो पॉइंट है जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला जो पॉइंट है ये ए है आपका, ठीक है। ए बी ए सी और ए तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वन बाई सिक्स, ये है वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रल। पिरामिड जी भाई, ये पिरामिड ही कहते हैं, हिंदी में पिरामिड कहते हैं, हिंदी में पिरामिड कहते हैं, इंग्लिश में उसको टेट्राहेड्रल क्यों हो गए। देखो बेटा, एक कंसेप्ट और हमारे पास है कि अगर चार पॉइंट कोप्लेनर है, ध्यान से सुनिए, अगर चार पॉइंट कोप्लेनर है, इफ फोर पॉइंट आर कोप्लेनर, फोर पॉइंट आर कोप्लेनर, यदि चार पॉइंट कोप्लेनर है, मतलब एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा पॉइंट ये है, अगर आपको चार पॉइंट को कोप्लेनर प्रूव करना है, मीन्स वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो क्या होगा बेटा, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी ये जीरो। अगर चार पॉइंट कोप्लेनर है तो एक ही पॉइंट से आप जो वेक्टर जनरेट करोगे ए बी ए सी और ए डी, ठीक है, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। अच्छी का याद रखना पड़ेगा, बुक दे दो 10-15 मिनट में एक्सरसाइज हो जाएगी, फिर अगली करा दो, वेक्टर आपके खत्म हो गए भाई, उसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन करेंगे, ठीक है भाई। रोहित देखिए किसी और ने ज्वाइन किया बीच में, अच्छा आरटी में सप्लीमेंट्री में कोई नहीं भाई, देखो भाई तो जो मैं बता सकता था मैंने पूरा बताया आपको, और क्वेश्चन ज्यादा नहीं, 5-4 क्वेश्चन है, लेकिन ये मैंने क्या कहा कि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए मुझे कराना पड़ा। देखिए पहला ही कंसेप्ट, पहला ही क्वेश्चन है, ये सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है, बताऊ तुम्हारे लिए एक ही कंसेप्ट है। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन बेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, निकाल लोगे सबको आता है। दूसरा कोप्लेनर करना है, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 10.5 है, लास्ट में सप्लीमेंट्री ए वेक्टर है, जल्दी करके दिखा दो, ए वेक्टर है आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, बी वेक्टर है माइनस टू आई प्लस थ्री जे माइनस टू आई प्लस थ्री जे माइनस फोर के, और सी वेक्टर है बेटा आई माइनस थ्री जे प्लस फाइव के, आई माइनस थ्री जे प्लस फाइव के,
देखोगे। क्लियर है सर जी तुम्हें? ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको ये प्रूव करना है कि कोप्लेनर है वेक्टर, आपको ये प्रूव करना है कि जल्दी निकालो क्या आता है। करके निकालो, जीरो आ गया, इसका मतलब कैसे है ये कोप्लेनर है। बेटा इसके नेक्स्ट है आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी, यदि तीन वेक्टर कोप्लेनर कर लोगे छोड़ दो। फोर्थ क्वेश्चन एबीसी दे रखा है, हाँ भाई एबीसी दे रखा है, सी वन सी टू सी थ्री की वैल्यू भी दे रखी है, विच मेक्स बिल्कुल सेम ऐसा ये फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, सो दैट द फोर पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर आर कोप्लेनर, हाँ ये करूंगा, कर लियो, हाँ कर लोगे, कर लोगे छोड़ दो भाई। लेकिन ये है इसके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, इसके पोजीशन वेक्टर, इसके पोजीशन वेक्टर, इसके पोजीशन वेक्टर, इसके निकालना ए सी, निकालना ए बी, निकालना ए बी ए सी और ए डी, भाई कई बार एक मिनट चलो मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ पांचवा, नेक्स्ट एक मिनट हो जाएगा, एक क्वेश्चन कराकर मैं भी जा रहा हूँ अगले टॉपिक, अगले टॉपिक बहुत ईजी है, स्ट्रेट लाइन और प्लेन, एक क्वेश्चन छह नंबर का, फाइंड एक्स ऑफ दैट द फोर पॉइंट, लो ये क्वेश्चन कर लो तुम्हारे हाथ से हो जाएगा। हाँ भाई ये चार पॉइंट को प्लेनर है, ये लिखना भी थ्री टू वन, ये बोलो ना मैं परेशान हो जाता हूँ, मेरे को सहन नहीं होता बिल्कुल। ए थ्री टू वन है, बी है फोर एक्स फाइव, फोर एक्स फाइव की बेटा फोर टू माइनस टू, फोर टू माइनस टू, अब तुम खुद देख लो कि उन्होंने तो अपने पास से काट दिया, क्या काटता है कि अगर आप 30% कम कर रहे हो तो 30% ढंग से तो कम हो, सिक्स फाइव माइनस वन। बेटा आपको कोप्लेनर प्रूफ है, एबीसी ये चारों पॉइंट कोप्लेनर है, एबीसीडी कोप्लेनर है, ए बी सी डी आर कोप्लेनर, तो क्या होगा भैया कि ए बी ए डी और ए सी, ए बी ठीक है डॉट ए सी क्रॉस ए डी इक्वल टू जीरो, ठीक है ए बी क्या होगा भैया, ए बी, ए बी वेक्टर कैसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर हो बी माइनस पोजीशन वेक्टर हो ई, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, कैसे लिखोगे फोर माइनस थ्री आई कैप एक्स माइनस टू जे कैप प्लस फाइव माइनस वन फोर के कैप, ठीक है भाई ए भी आ गया, ए सी कैसे निकालेंगे, लेकिन आ रहा बेटा सुन ए सी फोर माइनस थ्री आई कैप टू माइनस टू जीरो कैप जे कैप माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री के कैप और ए डी सिक्स माइनस थ्री थ्री आई कैप फाइव माइनस टू जे कैप माइनस वन, ठीक है भाई अब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, पहला कंपोनेंट आई वाला वन एक्स माइनस टू फोर वन जीरो माइनस थ्री 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 माइनस टू
रोहित समझ आ गया भाई? ठीक है, बस 5 मिनट और लूंगा, फिर मैं अगली टॉपिक पे आज करा। एक्स की वैल्यू 5 आ गई है, अभी तो कह रहे छोटे से टॉपिक को हम छुड़वा जाते, और इसका आगे चलकर एप्लीकेशन बहुत ज्यादा। सारी की सारी जो प्लेन कराऊंगा मैं वो यहीं से चलूंगा। हो गया, तेरे से भी मधुर चुप नहीं बैठा। मान ली तेरी बात। हाँ जी बताओ। बस प्रोबेबिलिटी एलटीपी 2 ही दिन का चैप्टर। 3D तो अकल है, 3D प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में कटा है बहुत कुछ। बस भी सुनो। हाँ भाई, सो दैट द वेक्टर ABC कोप लेना, वो कहता है सो दैट इफ, उसने ये कहा है कि ABC को प्लेनर होगा इफ A+B B+C और C+A को प्लेनर है। इसका मतलब यदि A+B, B+C और C+A कोप्लेनर है तो ABC कोप्लेनर होगा। मतलब यदि इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी 0 होगा। 2 मिनट का क्वेश्चन अभी करा देते हैं। देखो, आपका वो कह रहा है कि A+B 2 B+C क्रॉस, कारण क्योंकि ये और ये कोप्लेनर है तो आगे वाला डॉट ये क्रॉस ये 0 होगा। सिंपल कंसेप्ट है ये, आपका आ जाएगा बेटा A+B डॉट इसका क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ क्रॉस C+A प्लस सी का साथ क्रॉस C+A। देख लो भी, गौर समझ।